मनुष्य सदैव स्वप्न देखता है और जीवन भर उन्हें पूर्ण करने के प्रयास में लग जाता है। परंतु प्रश्न ये उठता है कि हमारे प्रयासों के पश्चात हम में से कई सफल क्यों नहीं होते। कारण है संयम। संयम अर्थात स्वयं को रोक सकने की क्षमता। अब आप कहेंगे, जब आगे बढ़ना है तो स्वयं को रोकना क्यों? विकास के विज्ञान में संयम का ज्ञान बहुत ही आवश्यक है। चार पग आगे बढ़ना हो तो एक पग पीछे हटने का साहस ही संयम है। संयम अपने इंद्रियों पर, अपने आकर्षणों पर, अपनी इच्छाओं पर। कभी सोचा है, नदी की गहराई में जाने के लिए सांसों को रोकना पड़ता है, पर्वत पर चढ़ने के लिए अपने पांव को रोकना पड़ता है। यही संयम होता है। यदि गहराई से देखेंगे तो आप पाएंगे कि लक्ष्य को पाने के लिए संयम होना सबसे अधिक आवश्यक है। फंसा हुआ था, तुमने महापाप किया है धनुर्धर। रामदेव, मैंने इसे नहीं मारा, मैं तो केवल राक्षस का वध कर रहा था। वो राक्षस वो अभी यही था। वाह धनुर्धर वाह, कौन सा राक्षस है यहाँ? यहाँ तो कोई राक्षस नहीं है। अपने आप को निर्दोष सिद्ध करने के लिए असत का सहारा मत लो धनुर्धर। तुमने मेरे गौरांग की हत्या नहीं की, तुमने उसकी माता श्यामा की भी हत्या की है। तुमने सिर्फ उसकी माँ की ही नहीं, मेरे परिवार के सदस्य की भी हत्या की है धनुर्धर। ब्राह्मण देव, आपको भ्रम हो रहा है। भला मैं क्यों मारूंगा इसे? गौहत्या का महापाप किया है तुमने। तुम्हारे पास उसके बच पाने का कोई अवसर नहीं है। यह तो वही पुष्पहार है जो मैंने शिवलिंग को अर्पित किया था। प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, मैं आपको पहचान नहीं पाया, आपको पहचान नहीं पाया प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए।
क्षमा कीजिए प्रभु, मैंने मैंने आपकी आराधना भंग कर दी। क्योंकि यही उचित था। मनुष्य की सबसे बड़ी आराधना उसका कर्तव्य का पालन होता है अर्जुन, जो तुमने भली भांति किसी और के प्राणों की रक्षा के लिए तुमने अपनी तपस्या भंग, अर्थात तुम अपने कर्तव्य को भली भांति जानते। मैं केवल ये देखना चाहता था कि तुम पशुपतास्त्र के योग्य हो या नहीं, इसलिए मुझे तुम्हारी परीक्षा लेनी पड़ी। और तुम इस परीक्षा में सफल हुए अर्जुन। मैं तुम्हें प्रसन्न मन से पशुपतास्त्र प्रदान करता हूं अर्जुन। कल्याण हो। आप सब दुखी मत होइए ब्राह्मण देव, मैं मानता हूं कि अनजाने में मुझसे पाप हुआ, मैं आप सबकी पीड़ा समझ सकता हूं। आपकी हानि की पूर्ति मैं करूंगा। यदि मैं तुम्हारे पुत्र की हत्या कर देता और अपनी सारी संपत्ति तुमको दे देता तो क्या तुम मुझे क्षमा कर देते? कदापि क्षमा नहीं करोगे तुम। तुमने महापाप किया है। मैं अग्निहोत्र ब्राह्मण विजय तुम्हें श्राप देता हूं। श्राप! किस प्रकार तुमने कीचड़ में फंसे हुए मेरे असहाय बछड़े को मारा है, उसी प्रकार तुम भी एक दिन पृथ्वी पे असहाय गिरे रहोगे और तुम्हारी कोई सहायता नहीं करेगा। और मेरे बछड़े की भांति तुम्हारी भी मृत्यु उसी प्रकार होगी। तुम्हें कोई दया नहीं मिलेगी। धनुर्धर, ये दुखे ब्राह्मण का श्राप है। सूर्यपुत्र कर्ण, सूर्यपुत्र अभिशापित कर, अभिशापित। आज मेरे मन में जल रही प्रतिशोध की अग्नि को थोड़ी सी शीतलता प्रदान हुई है। अभिशापित कर्ण, तुमने मेरे गर्व पर प्रहार किया, मेरे आत्म सम्मान को ठेस पहुंचा, मुझे युद्ध में पराजित कर पीड़ा दी और मैंने तुम्हें पराजित करने की भूमिका निर्माण की। तुमने मुझे पराजित किया होता तो किसी स्थिति में मैं तुम्हें क्षमा कर भी देता, परंतु तुमने मेरे पुत्र अर्जुन के विरुद्ध खड़े होकर अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल की है। जब तक तुम्हारा संपूर्ण विनाश नहीं हो जाता, तब तक ये देवराज इंद्र संतोष से विश्राम नहीं करे। धनुर्धर, मेरा श्राप कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। गौ हत्या के पाप का दंश तुम्हें हमेशा डसता रहेगा, डसता रहेगा। ये इंद्रलोक है अर्जुन,
यहां दुख की परछाई भी नहीं, यहां केवल सुख, आनंद, शांति। शम्मा की जी पिता थे, मेरे भाई वहां पीड़ा भोग है, पर मैं यहां आनंद करूं, ऐसा कैसे हो सकता है? हमें अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करनी है, महायुद्ध करना है, स्त्री के अपमान का प्रतिकार करना है मुझे। अर्जुन, उस प्रतिकार को पूर्ण करने के लिए तुम्हें कुछ दिव्यास्त्र की आवश्यकता पड़ेगी। अर्जुन, उनकी दीक्षा देने के लिए ही मैं तुम्हें यहां लाया हूं। आओ अर्जुन, आरंभ कर। परशुराम का फरसा उठा है, क्योंकि घोर अन्याय हुआ है। मेरे शिष्य को अकारणी श्राप दिया गया है। मैं पूरे संसार का सर्वनाश कर दूंगा, मैं ध्वंस कर दूंगा। आज संसार में प्रलय आएगी, नरसंहार होगा। 21 बार इस धरा को क्षत्रिय विहीन कर देने वाला परशुराम एक बार फिर इस धरा को
मानव विहीन कर देगा। उपकार का बदला उपकार से ना चुकाना, ऐसे मानव जाति को जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं देगा परशुराम। नहीं गुरुदेव, नहीं। ऐसा अनर्थ मत करिए गुरुदेव, शांत हो जाइए। इतना क्रोध क्यों गुरुदेव? मुझे तो श्राप और उपेक्षा का अभ्यास हो गया है, और एक श्राप थोड़ी ना मिला है मुझे। मेरा जीवन तो प्रारंभ से अभिशप्त रहा है, और आपने भी तो मुझे श्राप दिया है गुरुदेव। मैं जमदग्नि पुत्र और श्राम तुम्हें श्राप देता हूँ, मेरे द्वारा दिए गए दिव्यास्त्रों का आवाहन नहीं कर पाओगे, ये मेरा श्राप है। उसी अपराध की अग्नि में तो परशुराम अभी तक जल रहा है पुत्र। ऐसा कहकर मुझे पाप का भागी ना बनाए, मां की मार और गुरु की फटकार जीवन में इससे बड़ा प्रसाद नहीं हो सकता। और वैसे भी गुरुदेव, कोई भी श्राप और कोई भी पीड़ा मेरे भाई शोन की मृत्यु से अधिक नहीं हो सकती। मुझे परिवर्तन चाहिए, न्याय चाहिए, समानता चाहिए गुरुदेव। और इस न्याय, परिवर्तन और समानता को पाने के लिए एक श्राप तो क्या सहस्त्र श्राप सह सकता। और कोई श्राप आपके इस शिष्य को अपने लक्ष्य से, अपने कर्म पद से हटा नहीं सकता गुरुदेव। लोगों को भी अधिक ताप में रखा जाए तो वो भी पिघल जाता है। पाषाण पर चोट करो तो उसमें से भी चिंगारियां निकलती हैं, परंतु कर्ण तुम तो स्वर्ण हो, स्वर्ण। तुम्हें जितना तपाया जाता है तुम उससे कहीं अधिक चमकदार बनकर निकल आते हो। यहां कई वीर योद्धा आए और आएंगे भी, पर तुम जैसा धैर्यवान और वीर योद्धा न भूत हो, न भविष्य हो, न कभी हुआ है और ना ही कभी होगा। मैं तो चिरंजीवी हूं, कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होगा, परंतु वत्स, मृत्यु भी तुम जैसे धैर्यवान और वीर योद्धा को प्रणाम करेगी और कामना करेगी कि कदाचित उसे तुम्हारे हाथों पराजय देखनी पड़े। अपने कर्म पथ पर आगे बढ़ो कर्ण, तुम भले ही अभिशापित हो और संसार के वीर योद्धाओं से कहीं अधिक श्रेष्ठ सिद्ध होगे। तुम मृत्युंजय कर्ण बनोगे, कर्ण बनोगे।